एवरीवन, स्वागत है आपका आज एक बार फिर से प्रेरणा कोचिंग सेंटर में। ना कोई कठिनाई ना कोई तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। ना कोई कठिनाई ना कोई तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो देखते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कुछ। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो कौन सा है? सातवां। कौन सा है? सातवां। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो प्रथम है। कौन सा है? प्रथम। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम। भारत के उत्तर में कौन कौन से देश हैं? भारत के उत्तर में कौन कौन से देश हैं? चीन, नेपाल, भूटान, जो कि भारत के उत्तर में है। कौन कौन से? चीन, नेपाल और भूटान। भारत के पूर्व में कौन सा देश है? भारत के पूर्व में कौन सा देश है? बांग्लादेश, जो कि भारत के पूर्व में है। भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? पाकिस्तान। ये भारत के पश्चिम में है, पाकिस्तान। भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? अरब सागर। कौन सा सागर है? अरब सागर। भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है? भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है? बंगाल की खाड़ी। कौन सी? बंगाल की खाड़ी। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? हिंद महासागर। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। पूर्वांचल की पहाड़ियां भारत को किस देश से अलग करती हैं? पूर्वांचल की पहाड़ियां भारत को किस देश से अलग करती हैं? तो म्यांमार से। किससे? म्यांमार से। मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू मध्य भारत को किस देश से अलग करते हैं? तो किससे करते हैं? श्रीलंका से। किससे? श्रीलंका से। संपूर्ण भारत की अक्षांशीय विस्तार कितना है? जो संपूर्ण भारत का वह अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 degree 4 minutes से 37 degree 6 minutes उत्तरी अक्षांश है। कितना? 8 degree 4 minutes से 37 degree 6 minutes उत्तरी अक्षांश है। भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। ये भारत के मध्य से गुजरती है। कौन सी? कर्क रेखा। भारत के उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? भारत के उत्तर से दक्षिण तक 3214 किलोमीटर है। कितना? 3214 किलोमीटर है। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? तो कितना है? 2933 किलोमीटर है। कितना? 2933 किलोमीटर है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह वो कहाँ स्थित है? तो कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। भारत का दक्षिणी छोर क्या कहलाता है? भारत का दक्षिणी छोर क्या कहलाता है? इंदिरा पॉइंट। क्या कहलाता है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट को किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है? जो इंदिरा पॉइंट है उसको किस दूसरे नाम से जाना जाता है? तो दूसरा क्या है? पिगमिलियन पॉइंट। कौन सा है? पिगमिलियन पॉइंट। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का
कितना है? भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? तो कितना है? 2.42%। कितना है? 2.42%। विश्व की कुल जनसंख्या का कितने परसेंट भारत में निवास करता है? विश्व की कुल जनसंख्या कितने परसेंट भारत में निवास करता है? तो कितने? 17%। ये 17% करता है। कितना? 17%। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत की स्थल सीमा से कौन से देश लगे हैं? जो भारत की स्थल सीमा है उससे कौन से देश लगे हैं? बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, ये भारत की स्थल सीमा से लगे हैं। नेपाल, बर्मा, भूटान, भारत की स्थल सीमा से कौन से देश लगे हैं? तो कौन से हैं? बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, बर्मा, भूटान। भारत की जल सीमा किन देशों से मिलती है? भारत की जल सीमा किन देशों से मिलती है? मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार व पाकिस्तान। किससे? मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार व पाकिस्तान। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? जो कर्क रेखा है वो किन राज्यों से होकर गुजरती है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश। कौन कौन से? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कितने अक्षांश हैं? तो कितने हैं? 8 degree 4 minute। कितने? 8 degree 4 minute। भारत का मानक समय कहां से लिया गया है? भारत का मानक समय कहां से लिया गया है? इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से। कहां से? इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से। भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर की दूरी कितनी है? भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर की दूरी कितनी है? तो कितनी है? 876 किलोमीटर। कितनी है? 876 किलोमीटर भूमध्य रेखा से भारत की दक्षिणी छोर की दूरी है। कितनी है? 876। आगे देखते हैं। भारत की स्थल सीमा, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? जो भारत की स्थल सीमा है उसकी लंबाई कितनी है? उसकी लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। कितनी है? 15,200 किलोमीटर भारत की स्थल सीमा की लंबाई है। भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई कितनी है? भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई कितनी है? कितनी है? 6100 किलोमीटर। कितनी? 6100 किलोमीटर जो कि भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई है वो कितनी है? 6100 किलोमीटर। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए हमारे परिवार प्रेरणा कोचिंग सेंटर से आप जुड़े रहिए। थैंक यू।